लव जिहाद परे एबे ल्यांड जिहाद। कौन एही ल्यांड जिहाद? कहीं की एहा पालटी छी आसाम निर्वाचन रा सबुठु बड़ा प्रसंग। निर्वाचनी रैली रे कहीं की ए प्रसंग उठाइले अमित शाह। आसाम रे निर्वाचनी घमासान भितरे सबुठु बड़ा निर्वाचनी प्रसंग पालटी छी ल्यांड जिहाद। खाली सेतिकी नुहे, बीजेपी तार निर्वाचनी इश्तेहार रे कही छी पुणी थरे राज्य रे क्षमता को आसिले आणिबो ल्यांड जिहाद विरोधी आईन। बहु पूर्वरु बीजेपी सारा देश रे लव जिहाद प्रसंग उठाई आसुची। हिंदू युवती को प्रेम जाल रे फसाई धर्म परिवर्तन पई षड्यंत्र करा जाउतबा अभिजोग करी आसुची दल। एने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रे बीजेपी सरकार लव जिहाद विरोधी स्वतंत्र आईन मध्य आनिचंती, किंतु एबे आसाम रे ल्यांड जिहाद चलीथिबा नै सांघातिक अभिजोग आनिची बीजेपी। देश विरोधी शक्ति टार्गेट रे हिंदू धर्मानुष्ठान मठ और मंदिर जमी, हिंदू धर्मानुष्ठान जमी उपरे अवैध कब्जा करुछंती बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी। पूर्वर कांग्रेस सरकार अनुप्रवेशकारी को ए दिगरे सहयोग करी आसुथिला। आउ कांग्रेस जदि आसाम रे पुणी क्षमता को फेरिबो ताहाले ल्यांड जिहाद आहुरी जोरदार हेबो बोली चेताई देछंती अमित शाह। सारे घुसपैठियों ने काजीरंगा के जंगलों की भूमि कब्जाई थी, श्रीमद शंकर देव का देश आसाम भर में सत्रों की भूमि का कब्जाने का काम ये बद्रुद्दीन अजमल के घुसपैठियों ने किया था। लैंड जिहाद के माध्यम से आसाम की पहचान को बदलने का काम बद्रुद्दीन अजमल ने किया है, और वही कांग्रेस पार्टी आज बद्रुद्दीन अजमल के साथ आई है। मैं आपको कहना चाहता हूं मित्रों, एक 5 साल का मैंडेट दे दीजिए आसाम को, पूर्णतया घुसपैठिया मुक्त कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की। एबे प्रश्न उठुची जो बद्रुद्दीन अजमल रना गृहमंत्री बारंबार नेउछंती से किए, ताठारु आसाम को केमिति विपद रहिछ। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट AIUDF मुख्य हेउछंती मौलाना बद्रुद्दीन अजमल। एथर आसाम विधानसभा निर्वाचन रे AIUDF सह मेंट करिछि कांग्रेस। आसाम रे अनुप्रवेशकारी संख्या वृद्धि पछरे एही बद्रुद्दीन अजमल रा हात थिबा अभिजोग होइ आसुछि। आउ हिंदू वैष्णव मठगुडिकर जमी दखल षड्यंत्र पछरे एही बद्रुद्दीन अजमल ही थिबा अभिजोग करि आसुछि बीजेपी। आसाम की पहचान लचित बरफुकन हो सकते हैं, आसाम की पहचान गोपीनाथ जी हो सकते हैं, आसाम की पहचान श्रीमद शंकर देव और माधव देव हो सकते हैं, आप नहीं हो सकते हो बद्रुद्दीन, आप नहीं हो सकते। और मैं पूछना चाहता हूं शंकर देव के सत्रों की भूमि को जिस घुसपैठियों ने बद्रुद्दीन के आशीर्वाद से हड़प किया था, वो बद्रुद्दीन के साथ एक कांग्रेस पार्टी, बद्रुद्दीन के साथ एक कांग्रेस पार्टी समाधान करके निकली। एक जमाना था कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री तरुण गोगाई कहते थे हुई बद्रुद्दीन अजमल, आज तरुण गोगाई को स्वर्ग में जवाब मिल गया होगा, आ राहुल गांधी कहते हैं बद्रुद्दीन अजमल आसाम की पहचान है। मित्रों, अगर गलती से भी कांग्रेस और बद्रुद्दीन की सरकार आई तो आसाम के अंदर फिर से घुसपैठियों की बाढ़ आएगी, फिर से घुसपैठियों की बाढ़ आएगी। बीजेपी और अमित शाह का लैंड जिहाद अभिजोग पछरे ठोस कारण भी रही। 2011 जनगणना रे आसाम रे मुस्लिम कर जो संख्या सामना को आसी थिला तहा चमकाइबा भली थिला। 2001 जनगणना रे आसाम रे मोट जनसंख्या रा मात्र 5% मुस्लिम थिले, किंतु 10 वर्ष भीतर ही संख्या पहुंची थिला 30% रे। बांग्लादेशी अनुप्रवेशकारी को जगु आसाम रे मुस्लिम को संख्या एते वृद्धि घटी थिला। आउ से माने काजीरंगा जातीय उद्यान समेत विभिन्न हिंदू धर्मानुष्ठान रा भूमि को अवैध भाव रे कब्जा करिबा आरंभ करि देछंती। एही षड्यंत्र पछरे बद्रुद्दीन अजमल परी मुस्लिम नेतांकर बड़ हाथ रहिछ। आउ मुस्लिम वोट बैंक हातेबा पई तत्कालीन कांग्रेस सरकार
अनुप्रवेशकारी सबु साहय जोगाई देथिबा अभियोग करिछि बीजेपी। जदि एही धारा जारी रहे आसाम रे हिंदू संख्यालघु रे परिणत हेबाकु बेसी दिन लागिब नाही बोली अमित शाह चेताई देछंती। आकु रोकिबा पाई सबु विरोध सत्वे आसाम रे एनआरसी लागू करथिले बीजेपी सरकार। सेथि पाई पुणि थरे क्षमतासीन हेले एबे लैंड जिहाद विरोधी आईन आनिबाकु प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।